सूटकेस लेकर आए ना यार, पैकिंग स्टार्ट करें, निकलना है, फ्लाइट है। ये क्या कलर करवा लिया सर, ट्रिप पे बेड़ा गर्क करवाने जा रही हूँ। ड्रीमी फोन 16, आईफोन 16। अक्टूबर नेल्स हो रहे हैं, मैं और अरूप दोनों आज नेल्स करवाएंगे। पता लग गया है कि ट्रिप है तो बस उसको तैयारियां ही नहीं मुक रही। और यहाँ पे जो है हमारी पैकिंग होना स्टार्ट हो गई हुई है। मर के भी ना, अच्छा इतना बुरा भी नहीं। के बाल की मैं तो कह रही हूँ रबा छुट्टियाँ लेके चल हमारे साथ, क्लास होती है, मैं नहीं जा सकती। हेलो गाइस, वेलकम टू फातिमा फैसल व्लॉग्स। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज का वेट कर रहे हो, फटाफट से जो है ना वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ते बेल आइकन प्रेस करना तो उसे हरगिज नहीं भूलना। यार आज जो है ना हमने करनी है ट्रिप की पैकिंग। आप लोगों ने कमेंट्स में गेस करना है कि हम लोग ट्रिप पे कहाँ जा रहे हैं। मैं, मामा और जैनब जा रहे हैं जो है वो ट्रिप पे। और आपको पता है लड़कियां कहीं भी ट्रिप पे जाती हैं तो उससे पहले जो है हम जाते हैं पार्लर। अभी पार्लर में जाकर जरा सेटिंग मेटिंग करवाते हैं, मैनी पेडिक्योर करवाते हैं, नेल सेल्स लगवाते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। सो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग मम्मी। मामा को देखो जरा, फ्रिज में घुसी हुई है। मामा नाश्ता दे दे यार मजेदार सा। मामा लेट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी ये फास्ट नाश्ता करते हैं। चलो पहले तो जरा ये बताएं कि पार्लर में जाने के लिए कौन लेट होता है। अब आप अपने जो है वो पराठा बनाना बचाना चाह रही है, इसलिए एक आड़ू और एक एप्पल दे दिया। किसने नाश्ता करो, जल्दी वापस भी आना है। हाँ आके पैकिंग भी तो करनी है, सुबह की फ्लाइट है। और फ्रेश होके जाए, ये तो नहीं थके आए और रात को और फिर बड़ा गलत हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ ना। हाँ। मामा साथ जा रही है इसलिए एक्टिव रखेंगे। मामा जरा इधर आए, जरा आपने देसी पानी अपना छोड़ा, ये क्या है, ये क्यों इसके ऊपर लटकाया? पापा ने कल चावल पापा ने बनाया ना, चले पड़ो। पापा के देख रहे, कह रहे आए बैंगन। मामा कह रही है आपने लगाया, जेड़ा गलत काम आ जाए मैं पापा से पा। मामा झूठे इल्जाम जो है वो पापा पे लगाती है, ठीक है। सुबह सुबह जो है वो किचन में खिचड़ी पकी हुई है, पापा इधर अपना एक अलग नाश्ता तैयार कर रहे हैं, मामा हमारे लिए अलग नाश्ता तैयार कर रही है, पापा जो है यहाँ पे इधर बनाना का कोई अपना शेक रखा हुआ। जिसने जो नाश्ता करना अपना अपना आप बना, क्योंकि एक नाश्ता तो सब करते नहीं है, जब एक करें तो मैं बना दूं ना सबको पराठा। पापा कहते हैं मैं तो आज केलिया का शेक पीना है। पापा के लिए लागू है, मुझे लगता है हमारा तो नाश्ता आप ही बना के देती है। पापा खुद बनाते हैं, ये यहाँ पे दो नाश्ते तैयार हो रहे हैं। शौक है खुद अपना नाश्ता बनाने का, मैंने कहा बना लो। हाँ पराठा जो है वो मामा ही बनाती हैं। वैसे अगर कोई ये शेक वेक बनाने हो, इस तरह के कारोबार हो तो पापा खुद। मैंने भी शेक पीना तो फिर कहती मेरे लिए एक गिलास बनाए। ठीक है जरा इधर एप्पल चैपल चखाए। ए जैनब, और इधर जैनब मैडम भी सैलून जाने के लिए तैयार है। जैनब क्या तुम्हारे टोर है, गुच्ची की शर्ट पहन के साथ में स्टील का तुमने जो है वो मग पकड़ा हुआ है। वाह जी वाह, यहाँ से मेरी औकात बनती है। क्या तुम्हारे वो जो है वो टोर है भाई, स्टील में पंजाबी होने हैं, स्टील के ग्लास में पीने में अपना ही मजा। चल चल ठीक है, लेम एक्सक्यूज अच्छा है तेरा। ये नाश्ता हम लोगों ने साथ पकड़ लिया, गाड़ी में बैठ के करते हैं, वक्त बचाते हैं। जैनब क्यों नहीं आई यार अभी तक, सैलून जाने के लिए भी लड़कियों ने लेट करवाना होता है, पता नहीं फिर कहाँ ये टाइम पे पहुंचेंगी जिंदगी में। तुम्हें कहा था इसे घर छोड़ दो ना लेके जाओ। तो मामा जी उसको भी तो लेके जाना है, वो भी हमारे साथ ट्रिप पे जा रही है। ट्रिप पे जा रही है, बहुत सोनी है पहले। फाइनली हम लोग अपने सैलून पहुंच चुके हैं, बिल्कुल कोई 10-15 मिनट में पहुंच गए। इस मैडम ने बड़ी देर, थप्पड़ तो बहन भाइयों को मारना हक होता है। भाई इस बार जैनब ने जो है ये हेयर कलर करवाना है, नीचे से ब्लू और ऊपर से जो है ब्लैक। जैनब शक्ल भी फिर ऐसी होनी चाहिए ना। उसकी शक्ल और अपनी शक्ल में फर्क देख। मेरी शक्ल अल्लाह ताला ने बनाई है, प्यारी है। हाँ बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा आपने विक्टिम कार्ड खेला है, ठीक है। बस अच्छे से हेयर कलर हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है हमारी सबसे पहले आई है मैनी पेडिक्योर की बारी, यहाँ पे बैठूंगी मैं, और ये जो है मामा की बारी, यहाँ पे मामा बैठ गए। आज मामा के साथ चलेगा मैनी पेडिक्योर, सही कह रही है ना। आज हमारा वो एंजॉय का दिन है, सेल्फ केयर डे चल रहा है आज। यहाँ पे मामा का मैनी पेडिक्योर हो रहा है और मामा जो है वो सो गई हैं, फुल सो गई हैं, लगता है बहुत ज्यादा अच्छा मसाज हो रहा है यहाँ पे। चलो मामा को कंटिन्यू। मेरा भी जो है वो मैनी पेडिक्योर हो गया, और इधर जो है जैनब के बालों के साथ कुछ हो रहा है। जैनब अपने बालों के साथ ये क्या सिल्वर सिल्वर लगवा के बैठी हुई है, इसके जो बाल है ना यहाँ से मेरा ख्याल है इसने मुझे नीले करवाने हैं ना, उनके लिए कट डाउन जरूरी है। हम लोग जो है वो सैलून में आए हुए थे, और मुझे आपी की शादी के बाद मेरी बिछड़ी हुई दोस्त अरूप भी फाइनली मिली। तुम आपी की शादी के बाद मिले ना? नहीं नहीं बीच में मिले थे। हाँ, दावत वगैरह भी हुई थी। हाँ काफी हुई थी। हाँ और मैं फिट फाट, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे जो है अरूप के नेल्स हो रहे हैं, दिखाओ कैसे हो गए। अक्टूबर नेल्स हो रहे हैं, मैं और अरूप दोनों आज नेल्स करवाएंगे। मेरे तो काफी छोटे हैं, उसके काफी प्यारे यहाँ से हो गए हैं। कब से लगी हुई है? प्यारे हो नहीं गए, प्यारे बनाए उसने। हाँ पहले इसके कोई और थे, अब खैर कोई और हो रहे हैं। लड़कियों को जो है ना वो नेल से एक अलग किस्म ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन है।
ये क्या निकल आया ज़ैनब ने जो है ये क्या नहीं जैसे लूटिया पूटिया अपनी चूंचों को ये क्या कलर करवा लिया ज़ैनब ट्रिप पे बेड़ा गर्क करवाने जा रही हो यार इसके ऊपर डागी होने तूने ही मसला दिया था यहाँ पे जो है मामा का हेयर कलर स्टार्ट हुआ हुआ है मैनी पेडी के बाद मेरे नेल्स है तो अब मैं सोच रही हूँ नेल्स करवाऊँ या ना करवाऊँ अभी मैं सॉरी थोड़ी गहमा गहमी के आलम में हूँ अरूप से पूछते हैं अरूप करवाऊँ क्या ना करवाऊँ अरूप ने कहा कि बेटा करवा लो ट्रिप पे जा रही हो तो नेल्स छोटे छोटे जो है ना वो बुरे लग रहे हैं तो मैं अब करवाऊंगी अरूप के अच्छे हो गया ना इसी तरह करवाऊंगी ओह माय गॉड ज़ैनब का न्यू हेयर कलर तो बड़ा ही कोई फिट लग रहा है यही हेयर कलर है दिखाओ जरा ये क्या ज़ैनब एकदम वर्ड नहीं यूज करना चाह रही लेकिन एकदम नम नम लग रही हो ठीक है समझ रहे हो समझ रहा हूँ समझ क्या हो क्या लग रही हो वही लग रही हो ये व्हाट इज दैट अभी ब्लू आएंगे ये कलर ज़ैनब के जो है यहाँ पे ब्लू डाई स्टार्ट हो रहा है ज़ैनब का फुल नीला आज तो बेटा जोकर बन के जाएगी ट्रिप पे मैं तो वो देखो जरा हेयर स्टाइलिस्ट ने अपना हाथ दिखाया कि कैसे वो जो है ज़ैनब के बाल नीले मामा आपने कानों पे क्या चिट्टा चिट्टा पहन लिया है कान बंद कर लिए आपने आजकल जो है ना हम सब ने डेयर चैलेंज पे हाथ रखा हुआ है और मेरे जो है ना यहाँ पे नेल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं बस प्यारे से बन जाए ताकि ट्रिप पे थोड़े लश्कारे मार लूं यार फाइनली 2 घंटे बाद जो है ना मैंने भी अपने नेल्स डन करवा लिए हैं मामा ने भी जो है ना वो अपना यहाँ पे हेयर कलर करवा लिया है और इतनी अच्छे इतने लंबे बाल मामा ये तो मैं आज आपके देख रही हूँ यार ये तो लग ही नहीं रहा मामा के बाल है मामा ने तो खूब लंबे किए हुए अपने बाल यार अब मैं कटिंग नहीं करवाती मैंने अपने बालों पे फुल केयर करती हूँ और लंबे किए हुए हैं और ज़ैनब जो है ना नीले बाल रंगवा के पता नहीं अपने दोस्तों के साथ कहीं चली गई है बाहर खाना पीना खाने इसने मुझे अपने ब्लू बाल नहीं दिखाए मैं घर से जल्दी निकली थी कि जल्दी जाएंगे सात आठ बज गए इतनी लड़कियां पार्लर में आए तो हम कैसे जल्दी निकल सकते हैं चले अब घर चलते हैं अब जल्दी चले हमने ट्रिप की पैकिंग भी करनी है यार कोई अभी नहीं निकाला यार हमारा ये जो है ना बहुत अच्छा हीरा की कॉल आ गई है ऊपर से उसे कब आ रहे हैं घर बस पहुंचने वाले हैं हम लोग अल्लाह बहुत तैयार है तो फाइनली हम लोग जो है वो घर पहुंच चुके हैं और अभी मैंने घर वालों को कहना है कि मैंने जो है ना अपना ब्लू हेयर कलर करवा लिया है उन लोगों को दिखाएंगे कौन है दरवाजा ही खुल गया मैंने पूछा कौन है यहाँ पे घर आई हूँ तो यहाँ पे इन लोगों का खाना पीना चल रहा है चावल ईटिंग प्रोसेस हाँ इनकी तो अपनी पार्टियाँ चल रही है इधर मैंने ना बालों पे ब्लू कलर करवाया है फातिमा कोई ड्रामा तो नहीं है नहीं नहीं उतारोगे तो प्लीज यॉक मत मजाक मजाक ज़ैनब ने करवाया ब्लू कलर वो अपने दोस्तों के साथ निकल गया घर आएगी तो उसका नीला कलर पे तुम लोग जरा देखना हाँ मैंने भी देखा नहीं है छुपती फिर रही है उसने छुपा के किया हुआ है वो दिखा नहीं रही उसको लग रहा है कि बड़ा अजीब है घर आएगी तो देखते हैं A few moments later. भाई ज़ैनब जो है फाइनली अपनी दोस्तों के साथ जहाँ घूमने फिरने गई थी वापिस आ चुकी है और ये दोनों लड़कियाँ नीचे क्यों बैठी हुई है आज जुमेरात नहीं है तो आओ जरा अपने नीले बाल दिखाओ और तुम अपना पिंक फोन दिखाओ मेरे नेल्स देखो पहले क्या मजाक उड़ाइए कि फिर भी छोटे हैं फाइनली ये है ज़ैनब के ब्लू बाल तोते के जैसे नहीं जैसे रंगाए हुए ये बाल था जो जिसका इतना शोर मचाया हुआ था और भाग गई थी दोस्तों के साथ अब इमोशन शुरू होती है मेरी हाँ नीचे से थोड़े थोड़े ब्लू ब्लू हैं हिरा और राबिया को भी दिखाते हैं इसके ब्यूटीफुल से बाल खो राबिया कैसे है ऑरेंज बाल थे पहले यार मतलब कि वाह राबिया कह रही काले बाल अच्छे हैं ज़ैनब वो कह रही है बूढ़ी अम्मा है ज़ैनब अच्छी लग रही है नया स्टाइल ये इसका काम है फैशन का करना होता है ज़ैनब को डिसअपॉइंट ना करो यार पागल हो सारे ब्लू सारे ब्लू क्यों राबिया वो तुम उसे और गंदे मशवरे दे रही हो शेड नहीं पड़ा नीचे लेकिन कूल लग रहे हैं कूल लग रहे हैं हया कैसे लग रहे हैं सेम ज़ैनब जैसे नीचे जैसे अब जो है हम हया का ये पिंक फोन देखेंगे वाह यार वाह ड्रीमी फोन 16 आईफोन 16 तो ना प्यारा लग रहा है तो छोड़ो ना देने मेरा फेवरेट कलर पिंक है कोई एक बात दिला दे लेकिन जो है ना इन्होंने iPhone 16 Pro Max में जो है ना वो पिंक कलर नहीं निकाला आपको पता है हम Pro Max यूज करते हैं उसमें व्लॉग्स बनाते हैं नहीं सही बन सकता दिखाओ वो बड़े बड़े बूटे बूटे वाले कलर थे ये बच्चों वाले कितना प्यारा पिंक कलर है यार तो कवर उतार लो आपके हाथों में छाले निकले हुए हैं तो उतार लो यार मैंने भी लेना है नहीं आप नहीं ले सकती राबिया ने फाइनली कवर उतार के देख लिए वाह यार ने कवर भी पिंक क्या प्यारा फोन है पूछ रही हो कितने का मिला उसका चेक करो लेवल बस गई है जाके मामा से खरीद ली उसको पता ही नहीं है कि कितने का आया ठीक है हमारी मामा हम लोग 5,000 का सूट कह दे वो नहीं लेके देती 5,000 का फोन कैसे लेके देंगी कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये राबिया को देखो इधर जरा 15 और 16 का रिजल्ट देखा जा रहा है पिंक और गोल्डन का उनको सामने बिठाया हुआ है राबिया तेरा क्या है यार छोड़ दे यार उसका फोन है बेचारी बच्ची का
हमसे पहले तो हया ने ले लिया 16। हया तू हमसे सही अमीर है, एक मुझे भी दिलवा दे यार। कुछ तरीका है भीख मांगने का? मैं हया को बताना चाहती हूँ, हया इस दुनिया की सबसे अच्छी बच्ची है, वो भी मुझे एक फोन दिलवाएगी। ठीक है हया, एक 16 गैस करवाओगी? भाई हया जैसी दोस्त टिक करवाओ। कितने का लिया है? पता नहीं, उसे नहीं पता, बार बार पूछी जा रही हो, उसे नहीं पता। ये पिंक वाला आईफोन कितने का है? ये ले बेटे, अच्छा लगेगा, तेरे टाइप का ही है ये, क्यूटू सा, छोटू सा। इतना अमीर होने के प्राइस भी ना पता और हाथ में फोन। उसका फोन देख के राबिया नुकरों में लग लग के रो रही है। राबिया क्या है? क्या यार राबिया, चल कोई नहीं, हम भी तो कभी अमीर होंगे ना, कभी तो इतने अमीर होंगे ना, चल तू टेंशन ना ले, हम 17 लेंगे। तोते के पर नहीं लग रहे? चुप कर बे कुत्ते। नहीं, कलर तो अच्छा लग रहा है यार। अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं। के बाल क्यों? वो ब्लीच है ना, ग्लोसिंग करानी है। इससे पता है ज्यादा अच्छे कब लगते जब तुम ये सारा ही कलर करा। मैं भी सोच रही हूँ अब यही कलर का। ना 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 ना, हीरा तुम्हें कुछ दिखाना है? क्या? मैंने ले लिया है। क्या नो क्यूट है यार, नहीं तुम्हारा नहीं है, वॉलपेपर से पता लग गया। शिट, हया ने लिया है पिंक कलर। कितना क्यूट है यार, तो ले लो राबिया। मैं तुम्हारी सच्ची बहन हूँ, मैं अपनी सगी ना बनू, मैं खुद ना लू, बट ये ले दो यार। पिंक कलर का एडिशन निकाला है 16 प्रो मैक्स। ये क्या किया अपनी दीवार को यार, दीवार में टॉय डाल दिए पापा, दीवार में एक किल नहीं करना देते इनको। यहाँ पे फोन चेक करने की पड़ गई। क्या कह रही हो? मैं ये कह रही हूँ कि कितने का खरीदा है राबिया, बार बार एक ही क्वेश्चन। कहाँ से? एम्पोरियम मॉल से। उसे काफी दूर थी शॉप, कलमा चौक। राबिया उसने लंडा मार्केट से लिया, कपड़े की दुकान से। नहीं, सेल करना है मुझे, कर दो। उसने नहीं करना सेल बाबा, नहीं करना। कितना जीपी है? जीपी नहीं, जीबी। कितना जीबी है? अबे छाड़ दे उन्हें बेचारे, तो ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो? इसको घर छोड़ने जा रही हूँ, सारे कुछ कपड़े लेने। तुम्हारे पास खुद के अपने पास कोई ट्रिप के कपड़े नहीं है? जाओ हया, इसको अच्छे अच्छे ट्रिप के कपड़े दे दो। क्रिप कह रही हूँ, ट्रिप के अच्छे अच्छे कपड़े ले आओ। हया हो सके तो एक आदमी काले कपड़ों के अलावा नहीं कुछ मिलता। काले ले आओ, काले ले आओ, जाओ और हया छोटू को घर छोड़ाओ। Many minutes later. ये जो है ज़ैनब हया के घर से लौटी हुई है, ठीक है। ब्लू परिंदा क्या लेकर आई हो? लेकर आई हूँ कपड़े, दिखाओ। एक ग्रीन शर्ट लेकर आई और एक चिट्टी, बड़े कोई अच्छे कपड़े ले आई हो। अच्छा लाई हूँ। ट्रिप की जो है वो पैकिंग करना ही माशाल्लाह से इतना मुश्किल काम हो गया है जिसकी कोई हद नहीं। मम्मा आप यहाँ पे सोना बंद करें और सूटकेस लेकर आए ना यार, पैकिंग स्टार्ट करें, निकलना है, फ्लाइट है। मैं हेल्पर को बोल देती हूँ कि जाके ऊपर से जो है ना वो सूटकेस ले आओ। देखो 3-4 दिन तो मैं घर पे होने होंगी नहीं, फिर तो मुझे याद करोगी कि मैं तुम्हें कोई काम नहीं कहूंगी, तो बस आज जो है मेरा छोटा सा आखिरी काम कर दो, ऊपर से सूटकेस ला दो। ठीक है, अभी मैं आपको ला देती हूँ, मैं आपको याद करूंगी। चलो ठीक है, जाओ भाग के, जाओ भाग के ले आओ। सीन अब कुछ ऐसा है कि हमारी हेल्पर को जो है ना वो डर लगता है, वो कहती है बाजी मेनू लगता है डर उत्ते कि भूत भूत ना होवन, तुसी एने होरर प्रैंक कर दिया, जे कोई बाजी होरर भूतनी भर के खलोती है तो कह रही है मेरे साथ है, उसके साथ जाके सूटकेस ढूंढवाते हैं, तू लाइटा जलाई जा बस, मुझे कुछ डर लगता है तेरे से ज्यादा। आय हाय हाय हाय, अभी सीढ़ियां ही चढ़े हैं तो दिल दानी माड़ा तेरा से तू मुझसे आला। आई लव यू एंड आई लव योर सॉन्ग। यहाँ पे आए हैं तो सूटकेस की ढेरी लगी हुई है भाई, जोन सा पीस पसंद है उठा लें। बाजी रक्षंदा, बाजी शुमाइला, बाजी राफिया, बाजी कौसर, बाजी अनम, बाजी समिया, बाजी आयशा, हम उठाएंगे ये वाली बाजी को। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? इन बाजी का मैं नाम भूल गई हूँ, जो भी बाजी है ना इसको नीचे लेके चलते हैं और इसमें डालते हैं सारा अपना सामान। ये बैग के ऊपर ना पीसी मालम जब्बा की जो है ना वो स्टिकर लगा हुआ है यार, बड़ा ही कोई मेमोरेबल टाइम था जब हम यही वाला सूटकेस भूल आए थे। इतना मजे का वो ट्रिप था, इतना मेमोरेबल। अगर अभी मैं यूनिवर्सिटी ना होती मैं तब तुम लोग के साथ। मैं तो कह रही हूँ राबिया छुट्टियां लेके चल हमारे मेरी साथ। क्लास होती है, मैं नहीं जा सकती। चली जा। नो, एक छत पे जाऊंगी अगर मैं सूटकेस में पूरी आ जाऊँ। वो तो तुम आओगी नहीं, हरगिज़ नहीं आओगी। मैं आ सकती हूँ, वैसे छोटी हूँ, लेकिन मैं वैसे नहीं जा सकती क्योंकि मैं बिजी हूँ। सही है भाई, राबिया और इसकी बिजीपन
इतना का यूनिवर्सिटी असाइनमेंट क्विज वगैरह इसके चल रहे हैं इसलिए ये जा नहीं सकती। ज़ैनब को बस पता लग गया है कि ट्रिप है तो बस उसको तैयारियां ही नहीं मुक रही, कभी वो कपड़े पहन रही है कभी वो कपड़े पहन रही है, बस नहीं आ रही क्या करूं। मेरा बेटा तू जो है ना गंजी गंज करा ले। अब जो है हिरा आ गई है ज़ैनब को स्टाइल करने के, ऐसे नहीं ऐसे कपड़े पहनो, वैसे ऊपर वाली जो व्हाइट है ना ये अच्छी लग रही है जो भी उसने बाजू पहने हैं। A few moments later. इतनी देर बाद ज़ैनब तुमने ये आउटफिट डिसाइड किया है, मैं टांगों से जूतियां उतार के तुम्हारी ये टांगे तोड़ूंगी, बदला ही दे। इट्स नॉट गुड आउटफिट आई एम टेलिंग यू, ठीक है बदला इसको, कांटा है। अगर ये आउटफिट पहना तो मेरे साथ ना चलना। लड़कियां पहनती है नीचे इतनी इतनी सॉक्स, हाँ। पाकिस्तान में रहते हैं भूलो मत और हम मुसलमान हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। भूलो मत, राबिया ऐसी ड्रेसिंग को हरगिज प्रमोट नहीं करती। और राबिया को क्या खाने में आया है? मुझे आए हैं स्पेगेटी। राबिया एक बात बताऊं, खराब होने की स्मेल नहीं आ रही? रा मुझे आ रही है। नहीं नहीं ठीक है, पता नहीं खराब होने की कहीं और से स्मेल आ रही है, तुम्हारे से आ रही। ये दोनों मेरे सामने पाडियां मारी है क्योंकि आज इनको जो है ना खाना अच्छा आया है, स्पेगेटीज आए। बड़ी शोखियां हो रही हो दोनों, हम लोग नहीं देंगे, निकलो इधर से अभी। तुम क्यों जल रही हो? जली ना तेरी भी जली ना क्योंकि हमें ठंडे खाने को मिलेंगे ना मम्मा के बनाए हुए। और यहाँ पे जो है हमारी पैकिंग होना स्टार्ट हो गई हुई है। व्हाट इज दिस, हम तू एक जराब पा लिए तो एक ला लिए, नहीं अच्छी लग रही। मैं कह रही हूँ नहीं अच्छी लग रही जनाब, अपने ये कूल फैशन ना अपनी पॉकेट में रखो। नहीं अच्छी लग रही तो मतलब नहीं अच्छी लग रही, येलो है तुम्हारी टांगे एकदम गाय की टांगे लग रही है। ठीक है ठीक है, मेरी मानो तो तमीज इंसानों वाले कपड़े पहने। फुर्ती बनो, फुर्ती बनो कह दिया, बड़ी बहन से बात करने की तमीज ही नहीं है। मैंने ज़ैनब के लिए गिफ्ट मंगवाया, उसको बुलाओ जरा। ज़ैनब, राबिया ने जो है तुम्हारे लिए गिफ्ट मंगवाया है ट्रिप पे, उसे ले जाना। आ जाओ अगर गिफ्ट चाहिए तो, नली निहारी आ जा। इसको ब्लैक जूते चाहिए स्कूल के लिए, ब्लैक जूते चाहिए। हाँ तो मैं अपने लिए शॉपिंग कर रही थी तो मैंने सोचा फिर ज़ैनब के लिए भी एक चीज कर। ठीक है, वाह जी वाह, नए कॉन्वर्स। झूठ नहीं बोला मैंने तुम्हारे लिए। अरे बहन ने तुम्हें 20-25 हज़ार के जूते दिए, उसे गले तो मिल जाओ। मर के भी ना वादा अपना तोड़ेंगे, एक दूजे का साथ कभी ना छोड़ेंगे। बेसिकली ना जूतों के लिए प्यार हो रहा, तुमसे नॉर्मली प्यार नहीं करती। ये सही है यार, ज़ैनब को तो भाई अच्छे खासे जूते गिफ्ट में मिल गए हैं यार। मैं एक ही वो मीम वाला स्टेप करना, जूते लेने के बाद ज़ैनब का हाल। वाह मैं तो नीचे रिच 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 रिच। ज़ैनब ये बैग क्यों पकड़ रही हो, स्कूल नहीं जाना, और बैग में से सारी बुक्स निकालनी है। ज़ैनब को चेक करो, इसके सही मजे हैं यार, ऊपर नीले बाल करवा लिए और ये इसकी एयरपोर्ट लुक बन रही है। अभी एयरपोर्ट पे जाने में काफी टाइम है, हमारी जो है ना मेरा ख्याल है 7 बजे की या 10 बजे की फ्लाइट है, और तू रात 2 बजे तैयार होके खड़ी हुई है। गाइस को मैं लुक्स दिखा रही हूं अपनी। और इधर पापा भी आ चुके हैं सूरत हाल जानने के लिए। जी पापा जी, अब आप जाग रहे हैं, मैं सो लगा सोने। हाँ तो आपने सुबह को टाइम से उठना, फिर मैंने भी टाइम से। 7 बजे उठा देना आप हमें, 7 बजे निकलना है घर से। अच्छा 7 बजे निकलना है, ठीक है। 10 बजे फ्लाइट है, 3 घंटे पहले ही घर से जाना ही तो ना एयरपोर्ट। हाँ प्लान करेंगे तो फिर इंशाल्लाह टाइम। चले आप सो जाए, फिर आप हमें भी उठा देना, खुद भी उठ जाए। फिर फ्लाइट, फिर तो ट्रिप भी कैंसिल। ज़ैनब जो है ना पापा को अपने नीले बाल दिखाने ही। पापा जी कैसे लग रहे हैं? बेहतरीन लग रहे हैं। अब ज़ैनब प्रॉपर यहाँ से ब्लू शेड पड़ रहा है बालों को तेरे, अच्छे लग रहे हैं। पापा जी आप भी इस तरह के ब्लू करा लें। सीन अब कुछ ऐसे है यार कि हमारी पैकिंग जो है वो तकरीबन सारी कंप्लीट हो गई हुई है, इसमें थोड़े और जूते वूते ऐड करने हैं और इसको कर देना है बंद। ज़ैनब सो जा यार, उठ के जाना भी, और तू यहाँ चिटोस ठूस रहा है रात के 2:30 बजे यार, कितना को भूखा खाएगा। और वहाँ राबिया जो है अंदर अपनी कोई फिल्म शिल्म एडिट कर रही है, उसको जो भी यूनिवर्सिटी से काम क्या मिला है कि फिल्म एडिट करनी है। वाह राबिया तुम्हें ये यूनिवर्सिटी से असाइनमेंट मिली है कि फिल्में एडिट करनी है? फिल्म में मॉन्टाज है, मोंटाज है पता। तुम एक काम करो अब एडिटर बन जाओ। मैं ऑलरेडी बनी हुई हूँ। और वे 4 मिनट, तुमने अपने फिशू मिशू का जो है कोला क्यों चेंज कर लिया यार? पानी चेंज कर रही थी तो टूट गया। टूट गया तो अब उनको जो है मामा जिसमें आटा गूंथती है ना उस बॉल में रख दिया। राबिया इसमें कितनी तेजी से भाग रही है बेचारियां, उनके लिए तो ये खुला मैदान है। शीशे वाला इसने तोड़ लिया महारानी ने, और अब जो है उसको बेचारों को प्लास्टिक में डाला हुआ है। अब सीन कुछ ऐसा है कि आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा हमारा ट्रिप कहाँ का आने वाला है, कितने दिन का आने वाला है, और कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। सारा जो सस्पेंस का ब्लॉस्ट है ना वो कल होगा, और आपने कल का व्लॉग जरूर देखना है। बस कुछ ही देर में फ्लाइट है, हम जो है अपना नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इस व्लॉग को जो है ना हम यहीं पे करते हैं खत्म। होप सो यू लाइक द व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना यार चैनल को।